Good morning, class. Myself, Dr. Soni Yadav. I am here to presenting you the lecture of bridge course content. Actually, what is the bridge course? Bridge course is a specially designed content between your 10 plus 2 subject content and engineering content. So it will help you for further studies to understand the topic very smoothly and very understanding way. तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मूल कॉन्सेप्ट है. द मूल कॉन्सेप्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैनी चैप्टर्स फॉर द बेसिक कैलकुलेशन विच इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड कंटेंट और न्यूमेरिकल्स. सो व्हाट इज द मूल कॉन्सेप्ट? मूल कॉन्सेप्ट है क्या एंड व्हाई वी रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. अभी अगर हमारे पास एंटिटीज हैं, लाइक आपके पास अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, या आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप कैसे करते हैं? मास को मेजर करने के लिए आप ग्राम्स, केजी, वॉल्यूम को लीटर, एमएल, और डिस्टेंस को मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, आप इंचेस, इनमें मेजर्स कर लेते हैं. बट आपका जो एटम है या मॉलिक्यूल है, ये तो बहुत ही माइन्यूट स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है इनका. इनको आप कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको 12 पेंसिल अगर हम एक जगह पे रख दें और मैं पूछूं आपसे, तो यू विल सिंपली आंसर देयर आर 1 dozen pencils, 1 dozen banana, 12 bangles हैं तो 1 dozen bangles आर प्लेस देयर. इट मीन्स क्या हुआ कि हमने एक मैग्नीट्यूड दे रखा है कुछ पर्टिकुलर्स को, नंबर्स को. असेंबल जब हो जाते हैं तो वो इतना मेजरमेंट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. बट जो आपका एटम है या मॉलिक्यूल है जिनका की मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉलर होता है, उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हर बार मेजर करना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो एटम मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको मेजर करने के लिए हमने जो आपका मोल कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया. अब इस मोल कॉन्सेप्ट के लिए आते हैं, डेफिनेशन समझते हैं पहले. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट? वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल एज देयर आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स. यानी किसी भी सब्सटेंस का वन मोल जो है वो किसके बराबर होता है? वो कार्बन 12 एटम के वन मोल में जितने भी एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कितने, 6.02 × 10⁻³ उतने पार्टिकल्स के बराबर होता है. और इसलिए हम इस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कार्बन 12 में प्रेजेंट थे 12 ग्राम, उसको हमने एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया है. आपको ये बुक्स में NA से भी रिप्रेजेंटेड मिलेगा. यानी मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं वन मोल में? 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, व्हाई C12 इज यूज्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट? कि हमने C12 को ही क्यों यूज किया? तो द रीजन ऑफ बिहाइंड दैट, द एटॉमिक वेट आर एन एवरेज ऑफ द रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट. यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक वेट होता है वो उनके जितने भी आइसोटॉप्स अवेलेबल है. अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो तो सेम रहता है, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो जाता है. ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स में डिफरेंट हो जाते हैं. तो एटॉमिक वेट जो होता है वो सारे जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनका रिलेटिव मास होता है, एवरेज ऑफ रिलेटिव मास होता है. ठीक है, तो अब कार्बन 12 को ही क्यों लिया हमने? तो नंबर ऑफ C12 एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम. अब कार्बन 12 जो है उसका जो वेट है, एटॉमिक वेट है, उसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट 12 ग्राम में, जो नंबर ऑफ 12 ग्राम होता है. और अगर हम उस कार्बन 12 के
में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो वो कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻²³ होते हैं। अब बाकी जितने भी स्पीशीज हैं, आपके एलिमेंट हैं, उनको हमने क्या किया है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर दिया। बट कार्बन 12 के साथ ऐसा नहीं है, दैट्स वाई वी यूज एज रिलेटिव मास C12। C12 को हम रिलेटिव मास की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आप C12 के रिलेट 12 ग्राम में हमने नंबर ऑफ एटम्स जब काउंट किए तो वो निकल के आए 6.02 × 10⁻²। तो हमने उनको किसकी तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एवोगैड्रो नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं रिलेटिव मास क्या होता है, यानी किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस का रिलेटिव मास क्या होगा। द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ मास ऑफ एन एटम, यानी जितने भी आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट या एटम का जिसका भी हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उनका रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ मासेस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू 14 × 1/12, यानी कि क्या है, रिलेटिव रेशियो है या आपका एटम है, जिस भी एलिमेंट का आपको रिलेटिव एटमिक मास निकालना है उसको क्या करते हैं, 1/12 कार्बन का जो है उसको क्या करते हैं, उसके साथ जो उसका रेशियो काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमें नाइट्रोजन का रिलेटिव मास निकालना है तो नाइट्रोजन का एटमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। कंपेयर किससे करना है हमें, कार्बन के साथ, तो 1/12 कर देंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम आ जाएगा। सेम चीज क्या करेंगे, अब अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, यू हैव टू मल्टीप्लाई द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1/12 फैक्टर। तो आपको सीधा सा एक फॉर्मूला निकल गया है आपके पास, जिस भी किसी एटम का आपको एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट काउंट करनी है, आप उसको क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से को 1/12 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा उस एलिमेंट का। अब आते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट अभी आपने पीछे पढ़ा है कि मोल कांस्टेंट कांस्टेंट है, यानी भी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे भी मिलके वो सब्सटेंस बना है, वो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसी के रिप्रेजेंटेशन को हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। यानी एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यूजली एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द 6.02 × 10⁻²³। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आप बताएंगे 6.02 × 10⁻²³। अब अगर मैं यही सवाल को 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लें हम, अब 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में भी अगर आप पार्टिकल्स देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, 6.02 × 10⁻²³। यानी कि जो रेशियो में अगर आप, चाहे आप एटम्स ले लें, चाहे आप मॉलिक्यूल्स ले लें, चाहे आप आयंस ले लें, किसी भी 1 मोल में उनका नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होगा। सो व्हाट इज द एवोगैड्रो कांस्टेंट, प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, चाहे 1 मोल आपके पास आयन हो, चाहे 1 मोल आपके पास क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो या कोई सब्सटेंस हो, उसमें आप जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी ऑलवेज द सेम एज 6.02 × 10⁻²³ यूनिट्स। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ वी कैलकुलेट एवोगैड्रो कांस्टेंट। चलिए देखते
कि हमने एवोगैड्रो कांस्टेंट को और कैसे कैलकुलेट कर लिया। सपोज करा हमने, एक काम करते हैं हम, एक कार्बन का हमें मास पता है, एक कार्बन एटम का मास जो कि हमने किससे डिटेक्ट कर लिया, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डिटेक्ट कर लिया, तो वो निकल के आया कितना, 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। ठीक है, यानी अभी आपके पास पता है कि एक कार्बन एटम का जो मास है, और ये स्पेसिफाइड है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपने इसको कैलकुलेट किया और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अभी हमें मालूम है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वेट उसके मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन का एटॉमिक वेट या मास क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो अब टोटल मास हमें पता है कि 12 ग्राम है, और हमारे पास एक कार्बन एटम का भी मास पता है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को देखने के लिए, तो हमने क्या किया, 12 ग्राम पर मोल था हमारे पास, और एक एटम का हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। इट मींस ये वेरीफाइड हो गया कि आपका जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसका डिजिट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या पार्टिकल्स का, वो कितना है, 6.02 × 10⁻²³ एटम्स है। चलिए अब आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एलिमेंट के लिए भी कंसीडर होता है, कंपाउंड के लिए भी कंसीडर होता है, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए कंसीडर होता है। यानी कि अब अगर हम देखें तो अगर हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स निकाले किसी एक एलिमेंट में, तो हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आपसे व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट, इट्स अ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए ऑफ ए कंपाउंड, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला वेट। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है इसको बहुत अच्छे से समझिए जरा, क्या कहता है, अ मोल कंटेंस किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, और हर एक, सिंस एवरी मोल कंटेंस द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल के पास सेम, जो भी आपका हर एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, अभी आप तक पीछे बढ़ के आए हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो सॉरी द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एनी 2 मोल्स इन द सेम एज द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी कि सपोज करिए ए और बी, ठीक है, ए और वो बी दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो ए में नंबर ऑफ 1 मोल अगर हमने ए का लिया है और 1 मोल हमने बी का लिया है, तो इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻²³ होंगे, इसमें भी सेम रेशियो होगा। ठीक है, ये जिस भी रेशियो में आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या कोई कंपाउंड बनाएंगे, कितना होगा, उनके द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एनी 2 मोल्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इन दोनों के मास में जो रेशियो होगा वो रेशियो इनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, सपोज करिए ए बी जो है ए टू बी है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2:1 का रेशियो है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो इनके वेट में भी जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक वेट में। नेक्स्ट आते हैं मोलर मास। तो व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास। यानी मोलर मास को कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम किसी भी सब्सटेंस, यानी अभी हमने पीछे डिसाइड किया
मोल का जो मास होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द एटॉमिक मास। तो जब आप 1 मोल में जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनका रिलेटिव जो मास होगा, और उस मास की अगर हम ग्राम में कैलकुलेशन करें तो वो क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाएगा। सपोज करिए वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर तो H2 है, H2O में 2:1.1 प्लस 16। अब 1.1 जो है वो H एटम का मास है, तो आपने 2:1.1 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट थे और ऑक्सीजन का 16 हो जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा 18.2 ग्राम पर मोल। तो आप जब भी वाटर का मॉलिक्यूल का मास देखेंगे तो वो ये हो जाएगा 18.02 ग्राम पर मोल। सेम चीज है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हो गया 23 प्लस क्लोरीन हो गया 35.5, आपका आंसर हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। चलिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन AMQ, यानी मोलर मास क्या है, ग्राम्स में वो डेटा है जो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास के बराबर होता है डाल्टन में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, उन कंपाउंड्स के सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, इनके जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके मास को, यानी आपने यहाँ किया किया टोटल मास हाइड्रोजन का कितना हो गया 2:1.1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, यानी आपने क्या किया उनका टोटल सम कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकल गया। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, तो हाइड्रोजन 1 राउंड ऑफ कर दिया गया है यहाँ पे, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन का 16 है लेकिन ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है, 4:16, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 98। चलिए प्रैक्टिस सेशन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं, तो ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला है, तो देखिए कार्बन के 1 मोल का जो वेट होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है, तो यानी इसका मास कितना हो गया 12 ग्राम। तो 12 सिक्स एटम है, हाइड्रोजन का 1 होता है 12 एटम है, ऑक्सीजन का 16 होता है 6 एटम है, तो टोटल मास जो आ गया वो क्या आ गया 180 आ गया। सेम चीज है H2O2 के लिए, तो H2 और O2 के लिए, H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का मोलर मास निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो आप किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करेंगे, तो देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन जीरो प्रेजेंट इन 0.120 मोल सोडियम, यानी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट देखने हैं आपको बताना है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यानी कोई भी मास जो गिवन है अपॉन मोलर मास से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ देंगे। चलिए ये फॉर्मूला है, वो कहता है कि आपको हमने मोल्स दे दिए, 0.120 मोल दे दिए हैं, वो कहता है कि आप मुझे बताइए कि इसमें कितने सोडियम एटम प्रेजेंट है। हमें पहले से पता है कि 1 मोल में
एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी एन ए दैट इज 6.02 इंटू 10^23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वी अप्लाई द यूनिट फैक्टर 6.02 इंटू 10^23 एटम्स। सोडियम किसमें है? 1 मोल में है, तो ये 1 मोल में है तो 0.120 मोल में कितने एटम्स होंगे? मोल एनए से मोल एनए कॉन्सेप्ट कट गया, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए वो कितने आ गए? 7.22 इंटू 10^22 एटम सोडियम आ गया। द आंसर इज राउंडेड टू 3 डिजिट बिकॉज द गिवन वैल्यू एंड यूनिट फैक्टर ईच हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाता है, काइंडली समराइज द आंसर इनटू द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप के पास टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6.02, यानी 3 डिजिट है। या आपको आंसर जो है वो 3 डिजिट में देना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे, तो उस आंसर को यहाँ पे राउंड ऑफ करके 7.22 में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम इन 1.25 इंटू 10^21 एटम्स ऑफ पोटेशियम। अब वो कह रहा है कि आपको एक लाइन ये याद रखनी है, 1 मोल में एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कहता है कि जब इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे या इतने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो आपके पास मोल कितने बन जाएंगे? 1 मोल। अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इतने प्रेजेंट हैं, आप मुझे बताइए आपके पास मोल्स कितने बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1.25 जो भी आपका फैक्टर है, गिवन फैक्टर ऑफ एटम्स है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। भाई 1 मोल में इतने होते हैं, इतने में कितने होंगे? इससे इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ मोल जो है वो बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम, व्हाट इज मास इन ग्राम्स ऑफ 2.01 इंटू 10^22 एटम्स ऑफ सल्फर। और दूसरा न्यूमेरिकल जो है आपको करना है, हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.470 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलिए देखते हैं, तो पहला सवाल जो है वो ये कहता है कि बताइए सल्फर का मास ग्राम में क्या होगा, कितने एटम्स का? इतने एटम्स का, यानी हमने आपको इतने एटम्स दे रखे हैं, आप पहले मुझे बताइए कि इसका मास क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं मोल्स, अभी क्योंकि हम मोल्स ही पढ़ रहे हैं तो मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास, जो भी आपको मास दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास। ठीक, अब और मोल, 1 मोल का वेट कितना होता है? उसके मोलर मास के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको मालूम है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको मास ऑफ सल्फर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर दिए हुए हैं आपको, उसको हमने एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास क्या आ गया? मोल्स काउंट हो गया, मोल्स निकल के आ गया। अब आपको मालूम है 1 मोल का जो वेट होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो सल्फर का 32 है, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पूरा लिखा हुआ है 32.065 ग्राम पर मोल, और आपने इस फैक्टर का इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास मास ऑफ सल्फर इन ग्राम्स प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम ग्राम पर मोल।
सवाल क्या था? न्यूमेरिकल वॉज कि हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पूछे हैं उसने, इन इतने ग्राम ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, आप मुझे बताइए उसमें O2 मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं क्या कितने ग्राम है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन 32 होता है, आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास ग्राम ऑफ मोल्स आ गए, यानी जो आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन में के 1 मोल में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन एटम पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 2 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए। तो 1 ये आपको ऑक्सीजन, क्योंकि उन्होंने गैस दिया हुआ था इसलिए आपने पहले ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देन आपने ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। भाई ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, डबल, तो उस मास को आपने डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए। नेक्स्ट है मोल्स कैलकुलेशन, हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड दे दूं तो उसमें क्लोराइड आयन्स कितने प्रेजेंट है। ही इज आस्किंग अबाउट द क्लोराइड आयन्स, नॉट क्लोराइन गैस, Cl2n। ठीक है, तो अभी आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। देन कन्वर्ट मोल्स इनटू द नंबर ऑफ कंपाउंड यूजिंग एवोगाड्रो नंबर। आपने क्या किया कि आपने एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड, उस फैक्टर को यूज करके आपने नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट कर ली। भाई 1 मोल में कितनी प्रेजेंट होते हैं, 6.022 × 10²³, इतने मोल्स में कितनी प्रेजेंट होंगी, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आ गई कि हाँ ये इतनी नंबर उसमें प्रेजेंट होंगी। अब ये आपके पास निकल के आया है Cl2 का, क्या Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं निकल के, लेकिन उसने क्लोराइड आयन पूछा, तो Cl2 जो कि 3.011 × 10²³ में प्रेजेंट थी, इसमें क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट हैं, 2। तो आप इस फैक्टर से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा द रेशियो ऑफ क्लोराइड आयन्स इन एवरी वन कंपाउंड ऑफ MgCl2 विल बी दिस। गॉट इट? तो आप इस तरीके से एवोगाड्रो कांस्टेंट की हेल्प से कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मासेस एंड मोलर मास। अब आते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, दिस विल बी हेल्पफुल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बिकॉज इट विल हेल्प इन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग कोर्स कंटेंट। नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, अ केमिकल फॉर्मूला इंडिकेट्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड द रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच। जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये आपको बताता है कि किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लें, यहाँ H2O है, तो पानी में आपको पता है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसके साथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, यानी इनमें जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में 2:1 का रेशियो है। ठीक है, द फॉर्मूला कंटेन्स द सिंबल फॉर ईच एलिमेंट अकम्पेन्ड बाय अ सबस्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट बाय कन्वेंशन अ सबस्क्रिप्ट ऑफ 1 इज ओमिटेड। ठीक है, तो जब भी ये सबस्क्रिप्ट में कोई भी नंबर ऑफ, जैसे आपको H3PO4, तो यहाँ ये बताता है कि इस स्पीशीज के या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं,
इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको राइटिंग में आगे यूज करेंगे केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। कॉन्सेप्ट क्यूज, व्हाट आर द एलिमेंट रेशियो फॉर दीज कॉमन केमिकल फॉर्मूला। ये कॉमन केमिकल फॉर्मूला है, आपको इसमें रेशियो काउंट करके बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो सोडियम भाई दो स्पीशीज से मिलके बनी है Na और Cl, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो ही है। अगर हम बात करें CO2 का, C+O2, ठीक। तो यहाँ पे O2 जो है इसमें भी आप निकाल के बताएंगे। नेक्स्ट है H2O, H2H+O, और नेक्स्ट है H2H+S+4O। ये आप इसको लिख सकते हैं 2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2:1, यहाँ हो गया 2:1, यहाँ हो गया 2:1:4। ये आप इसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1, हाँ नहीं, आप इसको 2:1:4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एलिमेंट का रेशियो जो है वो केमिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज लिस्ट द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले जब हम लिखने आएंगे कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, तो जो भी आपका एलिमेंट मेटालिक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो NaCl आपको बताया कि एक और Cl 1:1 के रेशियो में कंबाइंड हुए हैं, तो आप इसमें मेटालिक जो कैरेक्टर है ज्यादा वो सोडियम का है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पहले लिखेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। कभी भी नॉन मेटालिक एलिमेंट को Cl Na नहीं लिखते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के। इन कंपाउंड्स दैट डू नॉट इंक्लूड अ मेटल द मोर मेटल लाइक एलिमेंट इज लिस्टेड फर्स्ट। और जिनमें मेटल नहीं होती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब मेटल फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं H2O, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो मेटल कोई भी नहीं है, तो आप लिखेंगे किसको, जिसमें ज्यादा मेटल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। केमिकल फॉर्मूला अमंग नॉन मेटल दोज टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल्स आर मोर मेटल लाइक देन दोज टू द राइट एंड आर नॉर्मली लिस्टेड फर्स्ट, ठीक है। यानी अगर आप नॉन मेटल्स अब केस आ जाए, तो जो लेफ्ट में है पेरिडिक टेबल, आप पेरिडिक टेबल पढ़े हैं, तो जो लेफ्ट में है इस एरिया में है, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, नॉन जो होती है वो मोर मेटालिक होती हैं, और जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है राइट साइड में, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा रिजेंबल उनसे नहीं करती हैं। वी राइट NO2 एंड NO, नॉट O2 एंड NON। अब आप देख लीजिए यहाँ पे NO2 और NO में नाइट्रोजन जो है, हमने उसको क्योंकि मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने क्या लिखा, उसको फर्स्ट लिखा हुआ कि उसकी मेटालिक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, देन मोर मेटालिक स्ट्रक्चर है। विद इन अ सिंगल कॉमन इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स टुवर्ड्स द बॉटम आर मोर मेटल लाइक देन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द टॉप। तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, तो जो नीचे बॉटम पे मेटल जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें मेटल लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं टूवर्ड्स द टॉप, जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं उससे ज्यादा जो बॉटम में प्रेजेंट है यहाँ पे उनमें आपको मोर मेटल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल SO2 को हम O2S से नहीं लिखते हैं। तो ये रहा एक आपको ग्राफ जनरल बना के दिया हुआ ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग नॉन मेटल एलिमेंट्स इन अ केमिकल फॉर्मूला। कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन इन विच द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज नॉट लिस्टेड फर्स्ट, सच एज हाइड्रोक्साइड आयन। अब OH आयन है, ठीक है, जो हमने अभी पीछे नॉर्म्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है फिर, लेकिन ये जो है
हाइड्रोक्साइड आयन के केस में जो है उसमें क्या किया गया, ऑक्सीजन है उसको पहले रखा गया और हाइड्रोजन आयन को बाद में दिया रखा गया। कॉन्सेप्ट क्यूज है आपके लिए, राइट ए केमिकल फॉर्मूला फॉर ईच कंपाउंड। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, एक कंपाउंड जिसमें दो एल्यूमिनियम एटम हो और टू एवरी थ्री ऑक्सीजन एटम, यानी टू एल्यूमिनियम एटम है और जिसमें आपके थ्री ऑक्सीजन एटम है, वो आपको एक ऐसा कंपाउंड देखना है अपनी पैरियोडिक टेबल में और उसका फॉर्मूला लिखना है। आपको हमने कंडीशन बता दी। नेक्स्ट है थ्री ऑक्सीजन एटम टू एवरी सल्फर एटम, एक कंपाउंड जिसमें तीन ऑक्सीजन एटम है हर एक सल्फर के पास। अब आपको खुद लिखना है, यानी 3:1 का रेशियो है। द कंपाउंड कंटेनिंग फोर क्लोरीन एटम्स टू एवरी सिंगल कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन है उसके चारों तरफ चार कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए ये CCl4। तो इसी तरीके से ये और ये आपको ढूंढने हैं, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है पॉली एटमिक आयंस। तो पॉली एटमिक आयंस क्या होते हैं? सम केमिकल फॉर्मूलाज कंटेन ग्रुप्स ऑफ एटम देन एक्ट एज अ यूनिट। कुछ केमिकल फॉर्मूला होते हैं जो उनमें एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट की तरह दिखाई देते हैं। व्हेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रेजेंट, देयर फॉर्मूला इज सेट ऑफ इन पेरेंटेसिस विद अ सबस्क्रिप्ट टू इंडिकेट द नंबर ऑफ दैट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, MgNO3 2 इंडिकेट्स अ कंपाउंड कंटेनिंग वन मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट एट द Mg+2 आयन एंड टू NO3 ग्रुप्स। अब देखिए, ये इतना बड़ा एक कंपाउंड दिया है आपको, ये पॉलीएटमिक आयन है, यानी इसमें एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा जनरली क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देखिए Mg+2 का चार्ज है और NO3 जो ग्रुप है, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच शेयरिंग होगी तो NO3 माइनस है। अब आपको पता है कि इनको चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने कैटायन उतने ही चार्ज एनायन जुड़ने पड़ते हैं, तो NO3 का होल टॉइस कर दिया गया। तो इस तरीके से ये पॉली एटमिक आयंस बने या फॉर्मूला बने, यानी ग्रुप्स ऑफ एटम कंटेंस होते हैं और जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है, मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैव द चार्ज एसोसिएटेड विद देम एंड दे आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयंस। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज होता है उनके साथ एसोसिएट होता है, इनको हम कहते हैं पॉली एटमिक आयंस। टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ कंपाउंड कंटेनिंग अ ग्रुप विद अ पेरेंटनेस, मल्टीप्लाई द सबस्क्रिप्ट आउटसाइड द पेरेंटनेस बाय द सबस्क्रिप्ट फॉर ईच एटम इनसाइड द पेरेंथिसिस। इसको आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए यहाँ पे, अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, तो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि आप मुझे बताइए कि Mg के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एक NO3, एक नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, अभी आते हैं, Mg का 1 हो गया, NO3 के दो एटम प्रेजेंट हैं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो दो प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट हैं। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ये Mg3PO4 का होल टॉइस हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। एन एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक तरी देखिए, केमिकल फॉर्मूला बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्पिरिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक तरीके का फॉर्मूला है द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स प्रेजेंट है और किस रेशियो में प्रेजेंट है,
एक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो बताता है गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। बट जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी आपको हम एग्जाम्पल से समझ, C6H12O6, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके एग्जैक्ट 6 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 हैं। लेकिन अगर मुझे इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो बताता है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं दे आर अवेलेबल इन दैट रेशियो इन अ कंपाउंड। अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूजेस लाइंस टू रिप्रेजेंट अ केमिकल बॉन्ड्स एंड शोज हाउ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे आते हैं हम CH4 ले लेते हैं, तो आप जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और सब्सटेंस इन अ कंपाउंड, अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच टेल अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दे आर टेकिंग द पार्टिसिपेट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। बताते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। चलिए लिख लेते हैं हम केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है व्हाट इज दिस H2O2। बट अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ले, एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी हमने पीछे डिस्कस किया है द रेशियो, तो रेशियो क्या हो गया 1:1 के रेशियो में अवेलेबल है, सो दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले में, फ्रैक्शनल में मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। फॉर मेनी कंपाउंड्स सच एज H2O द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले कुछ कंपाउंड ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो जो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला है दे विल रिप्रेजेंटेड बाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपना, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मूव्स, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अरेंज इन दिस वे। यानी कि क्या है, वो आपको 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और पार्टिकल्स हैं किसी भी कंपाउंड में वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दो तरीके के मॉलिक्यूलर मॉडल्स हम आपको बता रहे हैं, बॉल एंड स्टिक एंड स्पेस फिलिंग। बॉल एंड स्टिक और स्पेस फिलिंग, ये देखिए बॉल और स्टिक लिया है हमने, ठीक है, और इस तरीके से ये जो एटम है वो अलग एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों एटम सेम एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बॉल स्टिक फॉर्मूला है रिप्रेजेंटेशन और ये फिलिंग फॉर्मूला है, यानी स्पेस को फिल कर दिया गया। टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, लेट्स टेक अ लुक ऑफ मीथेन, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, आपने मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है। अब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो जनरली जब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बॉल एंड स्टिक। अब जैसे एक कार्बन है वो चार हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये चार हाइड्रोजन को हमने बॉल से अलग रिप्रेजेंट कर दिया है, ये कार्बन का कलर बॉल का अलग कर दिया है और स्टिक के थ्रू हमने इनके बॉन्ड्स जो है वो दिखाए हैं। नेक्स्ट आता है स्पेस फिलिंग। स्पेस फिलिंग में हमने जो है वो जो स्पेस को है वो पूरे तरीके से फिल कर दिया है और मॉलिक्यूल्स इस में एटम्स जो है वो इस तरीके से अटैच है। चलिए नेक्स्ट है राइट अ केमिकल फॉर्मूला। आप फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट यू शुड बी एबल टू राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब किसी भी चीज का फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले अब हमें ये तो मालूम होना चाहिए वी हैव टू नो द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एलिमेंट,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, तो यू नो द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम को हम Na से लिखते हैं। अब आप सोडियम को Ca से लिख दें तो आपका फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट यू हैव टू नो अबाउट टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल जो जर्नल है फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाने के लिए वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम को आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं और सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। टिन को Sn स्टेनस, लेड Pb हो गया आपका लेड हो गया, जिंक जो है Zn से रिप्रेजेंट होता है, कॉपर Cu हो गया, आयरन Fe हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, नाइट्रोजन N हो गया, कार्बन C हो गया, मरकरी Hg हो गया। सेकेंड यू शुड, अब तो पहली चीज तो बेसिक जो चीज थी वो क्या थी कि हमें पता होना चाहिए हाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल में हम किसी एलिमेंट को किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यू शुड बी एबल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयन एंड इट्स चार्ज, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आयन क्या है और उनपे कैसा चार्ज है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन्स देख लेते हैं। तो ऑक्साइड आयन नेगेटिव आयन होता है और उसपे चार्ज जो होता है वो -2 का होता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन लिखते हैं और इस पे चार्ज जो होता है वो 1 होता है। बाइकार्बोनेट HCO3 1 चार्ज होता है, -1 जो है चार्ज नेगेटिव एलिमेंट्स। अभी हम जितने भी बात कर रहे हैं वो नेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सल्फेट SO4 -2 चार्ज है, कार्बोनेट -2 चार्ज है। तो ये क्या है, आपको चार्ज है जो उनके बारे में पता होना चाहिए। नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज है, ब्रोमाइड आयन पे -1 है, आयोडाइड आयन पे -1 है, क्रोमेट CrO4 -2 है, डाइक्रोमेट Cr2O7 पे -2 चार्ज है। अब पॉजिटिव आयन्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव आयन्स और उनके चार्ज जो है वो इस तरीके, सोडियम +1 चार्ज है। ये चार्जेस जो है वो रिप्रेजेंटेशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबिलाईजेशन, कि आप डोनेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं टू गेट द स्टेबिलाईजेशन टू कंप्लीट योर ऑक्टेट। तो पोटेशियम के प्लस +1 है, मैग्नीशियम जो है +2 हो गया आपका, जिंक है जो +2 हो गया, कॉपर +2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम भी +2 है, सिल्वर +1 है, अमोनियम जो है +1 है और ये सब आयनिक फॉर्म में है, एल्यूमिनियम +3 है, स्टेनम जो है स्टेनम सेकेंड जो है वो +2 है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि आपको फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए और उसके बाद उनके चार्जेस पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता है आप जो है वो फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो चार्ज है उसकी वैल्यू जीरो करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को OH आयन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि देखिए Na पे अभी आपने देखा पॉजिटिव चार्ज आयन है, +1 की वैलेंसी चार्ज रहता है इस पे और इस पे -1, तो +1 और -1 बन जाएंगे तो इनपे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको चार्ज की वैल्यू जीरो करना, तो Na-1 और Na+1 इन दोनों से, या आप कॉन्स्टिट्यूएंट सीधा सा दूसरा एक काम कर सकते हैं, क्रॉस कनेक्शन कर सकते हैं। पहले आप सिंबल लिखिए, आपने यहाँ सिंबल लिखा Na और दूसरा लिखा OH। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, आप चार्ज लिख दीजिए, OH पे -1 चार्ज है, आपने चार्ज लिख दिया, ठीक है। तो अब क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स का क्रॉस है, यानी इसको आप क्या करेंगे, प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको माइनस वन से, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को। यहाँ यानी वन एटम हो गया और ये भी वन एटम हो गया, चार्ज जीरो हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए ओ एच। नेक्स्ट आते हैं, इसे और अच्छे से समझते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम एन ए पता है आपको, क्लोराइड पे सीएल आपको मालूम है, चार्ज क्या है, प्लस वन है, इसका चार्ज माइनस वन है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सोडियम के कितने एटम होने चाहिए, वन, क्लोरीन के कितने एटम होने चाहिए, वन होने चाहिए, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा NaCl। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या है, CA पे प्लस टू चार्ज है और OH पे माइनस वन चार्ज है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फैक्टर को, यानी OH के कितने आयंस होने चाहिए, प्लस टू, और CA का कितना होना चाहिए, प्लस वन। तो आपने देखा CA के कितने एटम होना चाहिए, वन लिख दिया, OH का टू होना चाहिए, तो आपने क्या किया, OH का होल टू। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि CA पे कैसा चार्ज है, प्लस टू है, अब इस प्लस टू से माइनस टू आपको एड करना है, तो माइनस टू कैसे ऐड होगा, क्योंकि ओ एच पे तो नेगेटिव वन है, तो आपने क्या किया, सी ए प्लस टू ओ एच माइनस का होल ट्वाइस, तो क्या फॉर्मूला होगा, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। सिंपल, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, आप चार्ज को भी ध्यान में रख के फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड, तो सी ए कैल्शियम क्लोराइड बाई कैल्शियम क्लोराइड आयन हो गया, कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज है और क्लोराइड पे माइनस वन चार्ज है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम वैलेंसीज का, उतने ही एटम्स होना, तो सी ए के कितने एटम्स होने चाहिए, वन, और क्लोरीन, सॉरी, आपका जो क्लोराइड है वो कितना एटम होना चाहिए, टू एटम होना चाहिए, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सी ए सी एल टू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम को अभी आपने देखा पीछे प्लस थ्री वैलेंसी है और ऑक्साइड पे माइनस टू वैलेंसी है, तो आप क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी Al के कितने एटम्स होने चाहिए, दो, तो आपने लिखा यहाँ पे Al टू। टू सबस्क्रिप्ट में डिजिट बताता है कि वो एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एटम, उसको क्या कर दिया आपने, तीन एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Al टू ओ थ्री हो गया, इस तरीके से फिर से ये आपका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो AlOH, अब आपको दो चीजें पता है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड, तो चलिए एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन Al हो गया, हाइड्रोक्साइड का OH हो गया, भाई एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस तीन है, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज माइनस वन है, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है चार्जेस का, तो Al का कितना एटम हो गया, वन एटम हो गया, OH के कितने एटम हो गए, तीन एटम हो गया, फॉर्मूला इज Al का AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर वही चीज हो गई है, Al और Cl आपको पता है, राइट डाउन द चार्जेस, Al पे चार्ज है प्लस तीन, Cl पे चार्ज है माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इन डिजिट्स का, Al का वन एटम लिखा जाएगा, Cl के तीन एटम्स लिखे जाएंगे, तो ये हो गया AlCl3। नेक्स्ट आते हैं हम आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो आता है आयरन और ऑक्साइड, तो आयरन और ऑक्साइड देख लीजिए किस तरीके से लिखेंगे, अब आप आयरन की जो है वैलेंसी क्या है, प्लस टू है और ऑक्साइड प्लस टू है, सॉरी माइनस टू है, तो प्लस टू और माइनस टू हो गया, तो ये क्या बन गया आपका FeO हो गया, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन और हाइड्रोक्साइड, तो आयरन सेकेंड लिखा हुआ, यानी अब आयरन की जो चार्जेस है वो क्या है, उस पर प्लस टू चार्ज है इस पे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड पे वन माइनस वन चार्ज है, तो अब आप इसकी चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई का एक एटम
और OH के दो एटम यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगे और आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आयरन क्लोराइड, तो आयरन सेकेंड हो गया, आयरन सेकेंड, आपने सिंबल लिखा आयरन का जो है वो Fe हो गया और क्लोराइड Cl हो गया। तो अब चार्जेस क्या आ गया, +2 -1 आ गया। इन चार्जेस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो बन गया आपका फॉर्मूला FeCl2, आयरन क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, सेम चीज। तो इस तरीके से ही आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशंस दिखना सिखाया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आप फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे स्टेप में उनके जो चार्जेस है वो लिखेंगे, उन चार्जेस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना फॉर्मूला जो है वो बना लेंगे। नेक्स्ट है आयरन हाइड्रोक्साइड, फिर आ गया आयरन, राइट द फॉर्मूला, चार्जेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट द नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला इज अराइव्ड। तो ये आपके पास इस तरीके से आपको इनके ये फॉर्मूला लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट की बात कर लें, अब हम सोडियम सल्फेट, सोडियम Na+ सल्फेट SO4-2 होता है। अब आपने देखते हैं Na+ कितना चार्ज है, +1 है, SO4 पे -2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी Na के कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, दो होने चाहिए, सल्फेट के कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, 1 होना चाहिए, फॉर्मूला विल बी Na2SO4, सेम सोडियम कार्बोनेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज लिखा, कार्बोनेट पे -2 चार्ज लिखा। तो आप ये +2 है, ये -2 है, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेशियो अब यहाँ पे 1 हो गया है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स दोबारा लिखने की डबल जरूरत नहीं है, इट विल बी CaCO3। सेम चीज जिंक सल्फेट, जब आपकी पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल NaCl में आपने किया था, रेशियो जब 1:1 आ जाता है तो एक ही एटम लिखते हैं। यहाँ पे भी चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज हो रही है, मैंने आपसे कहा था चार्जेस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जितने चार्जेस का कैटायन है उतने ही चार्जेस का एनायन है। तो इस तरीके से आपने, आप देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है, SO4 पे -2 का चार्ज है। अब आपके यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सेम रेशियो, मतलब इनका जो डिजिट है वो सेम नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो ये था आपका आज का चैप्टर, कि आपने क्या करना है, आपको जो था कि आपने फॉर्मूला लिखना है, और आपको फॉर्मूला लिखना, रिप्रेजेंटेशन करना, इनका मोलर मास करना। अब फॉर्मूला राइटिंग से आपको क्या क्या आना चाहिए, फॉर्मूला राइटिंग से आपको राइट करना लिखना आना चाहिए, आपको उनका मोलर मास निकालना आना चाहिए, आपको उनका जो है वो चार्ज पता होना चाहिए, उनपे क्या चार्ज प्रेजेंट है, और उसके अलावा आपके उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे वो पता होना चाहिए, उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसके अलावा मोल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए इस चैप्टर से। तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको समराइज कर देते हैं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा। जो है आप फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट से आपने सीखा कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स के बाद आपने देखा कि आपने जो कार्बन को था C12 को, वही मोल्स को एवोगाड्रो कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए आपने क्यों यूज किया, आपने रिलेटिव मासेस निकालने सीखे, आपने एवोगाड्रो कांस्टेंट की हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने सीखे,
आपने मोलर मास निकालना सीखा, आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, आपने सीखा कि नंबर, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपने सीखा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूले में कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज किस प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, आप कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, और इसके अलावा आप उस फॉर्मूला राइटिंग में किस किस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो सकता है, केमिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो आज का चैप्टर जो है वो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर से हम इक्विवेलेंट वेट और उसके बारे में डिटेल्स समराइजेशन पढ़ेंगे।